हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि WWE जो शो आता है उसमें कौन बना है सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बॉटम के टॉप फाइव हैं उसमें मैं आपको केवल कंबाइन उनका बताऊंगा कि वो कितने बार चैम्पियन बने हैं, और जो अपर के टॉप फाइव हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन सी चैम्पियनशिप WWE में जीती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए रोज लेकर आता रहता हूँ। तो हमारा काउंटडाउन शुरू होता है। नंबर 10 पे हैं दी अंडरटेकर। ये अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में रेसलिंग में इतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन इनका नाम बहुत बड़ा है WWE में, और इन्होंने 8 टाइम WWE में ये चैम्पियन बने हैं। नंबर 9 पे हैं ब्रॉक लेसनर, जो अभी भी सक्रिय हैं और ये अभी तक 9 बार WWE के चैम्पियन बन चुके हैं। नंबर आठ पे आते हैं हमारे सबके फेवरेट, और ये हॉलीवुड में भी सक्रिय हैं, इनको एक्टर के तौर पर भी अब जाना जाता है, इनका नाम बहुत बड़ा है, और ये हैं द रॉक, और ये अभी तक 10 बार WWE में चैम्पियन बन चुके हैं। नंबर 7 पे आते हैं स्टिंग, जो पहले WWE में रेसलिंग करते थे, उसके बाद ये TNA में भी रेसलिंग करने लगे। इनका नाम भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत पुराने रेसलर हैं, और ये भी अभी तक 10 बार WWE में चैम्पियन बन चुके हैं। नंबर 6 पे आते हैं एज, जो बीच में रिटायर हो गए थे लेकिन फिर से वापस आ गए हैं। एज को सब लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस रहे हैं, और ये अभी तक 11 बार WWE में चैम्पियन रह चुके हैं। अब जो हम अपर के टॉप 5 की बात करेंगे, उसमें 5वें नंबर पे आते हैं हल्क होगन, और ये अब रिटायर हो चुके हैं क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, और इनका नाम भी बहुत बड़ा था उस समय पर। ये अब तक 12 बार WWE में चैम्पियन रह चुके हैं। 6 बार इन्होंने WCW की वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती थी, और WWE चैम्पियनशिप इन्होंने 6 बार जीती है। इस तरीके से ये अब तक 12 बार चैम्पियन बन चुके हैं। अब आते हैं नंबर चार पर हैं रैंडी ऑर्टन। इनका नाम भी WWE में बहुत बड़ा है, इनके बहुत से प्रशंसक हैं, इनकी रेसलिंग स्टाइल भी बहुत से लोगों को पसंद आती है। ये अब तक 14 बार WWE में चैम्पियन बन चुके हैं, जिसमें से इनके नाम हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप 4 बार, इन्होंने 4 बार जीती है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, और WWE चैम्पियनशिप इन्होंने जीती है 10 बार। तो इस तरीके से ये 14 टाइम WWE में चैम्पियन रह चुके हैं। आप लोग बहुत से ऐसे लोगों का नाम जानते होंगे जो आप लोगों ने देखे होंगे रेसलिंग करते हुए, और आपके फेवरेट भी होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 लोगों के बारे में बता दिया है लेकिन अभी तक आपके फेवरेट नहीं आए हैं। लेकिन टॉप 3 में हो सकता है कि आपके वो फेवरेट आ जाएं। तो आइए टॉप 3 के बारे में जानते हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं हम सबके चहेते ट्रिपल एच। बहुत पुराने रेसलर हैं, बहुत फेमस हैं, और सब इनके बॉडी के कायल रह चुके हैं। ये अब तक 14 टाइम चैम्पियन बन चुके हैं, जिसमें से 5 बार ये बने हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन 5 बार, और WWE चैम्पियनशिप ये जीत चुके हैं 9 टाइम, 9 बार ये WWE चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। इस तरीके से ये भी 14 टाइम चैम्पियन हैं WWE में, लेकिन इन्होंने हैवीवेट चैम्पियनशिप 5 बार जीती है और WWE चैम्पियनशिप 9 टाइम जीती है, जिसके कारण ये नंबर 3 पे हैं। रैंडी ऑर्टन भी 14 टाइम चैम्पियन बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप 4 बार जीती थी और WWE चैम्पियनशिप 10 टाइम जीती थी, जिसके वजह से वो 4th नंबर पे हैं। अब हम टॉप 2 के बारे में जान लेते हैं। अब जो नंबर 2 पे हैं वो सबके पसंदीदा हैं, और उनका नाम है जॉन सीना। ये अब तक 16 बार चैम्पियन रह चुके हैं, लगभग
अब ये लगभग रेसलिंग में इतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अभी भी ये कभी कभी आते हैं रेसलिंग में। इन्होंने 3 times वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप जीती है और 13 times WWE की चैम्पियनशिप जीती है, जिसकी वजह से इनका टोटल हो जाता है 16 times और ये नंबर 2 पर हैं। अब आते हैं नंबर 1 के बारे में, और नंबर 1 पर हैं रिक फ्लेयर। इनको आप सब लोग जानते होंगे, जो भी 25-30 साल के आसपास के युवक होंगे वो इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने इनके शोज़ देखे हैं। जो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी रेसलिंग में आप लोग देखते होंगे कि थप्पड़ मारते हैं चेस्ट पर, सीने पर, वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, इन्हीं से वो फेमस हुआ था ऐसा कहा जाता है, और आज तक वो चल रहा है। रिक फ्लेयर ने भी 16 times वर्ल्ड चैम्पियन ये रहे हैं, जिसमें से NWA चैम्पियनशिप इन्होंने जीती 8 times, WCW चैम्पियनशिप वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप जीती है 6 times, और WWE चैम्पियनशिप जीती है 2 times। तो इस तरीके से ये 16 times चैम्पियन रहे हैं WWE के शोज़ के। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, रोचक लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।